हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे खतरनाक रास्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खासकर कमजोर दिल वाले तो इन रास्तों से खास दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। जरा सी लापरवाही आपकी जान पर बना सकती है और एक छोटी सी चूक के बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। अगर आपने सच में इन उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों के बारे में सुना होगा तो आप भी जानते होंगे कि इन रास्तों पर कितनी सावधानी से चलना पड़ता है। तो बिना टाइम पास किए आइए जानते हैं रास्तों के बारे में। नंबर 6, डिस्कवरी चैनल ने दुनिया की मोस्ट एक्सट्रीम सड़कों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम वर्ल्ड एक्सट्रीम रोड्स रखा था। लेकिन सभी सड़कों में एक सड़क का जब भी जिक्र आता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। और आपको बता दें कि यह सड़क बोलिविया के उगांस प्रांत में है, जिसे द रोड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक रोड का दर्जा पा चुकी इस सड़क की लंबाई 64 किलोमीटर है, जो बहुत ही ज्यादा पतली होने के साथ फिसलन से भरी है। इस कारण से ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के टायर नीचे खाई की ओर स्लिप कर जाते हैं। सिंगल लेन वाली यह सड़क इतनी पतली है कि एक साथ दो कारें पास नहीं हो सकती। कई बार तो गाड़ियों का एक टायर नीचे लटक जाता है, ऐसे में सावधानी से उसे बाहर निकालना पड़ता है। और कई बार टायर फिसलने की वजह से गाड़ियां सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर जाती हैं, जिससे हर साल 200 से 300 लोगों की जान चली जाती है। और आपको बता दें कि ये सड़क समुद्र तल से 15,400 फीट की ऊंचाई पर है। 5वें नंबर पर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित किलाड़ से किश्तवाड़ के बीच की सड़क। यह सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। यहाँ कार से जाने का मतलब सीधे सीधे आत्महत्या करने जैसा होगा। और आपको बता दें कि हिमाचल और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित पांगी घाटी में स्थित है यह रास्ता। और आपको ये भी बता दें कि ये वही रोड है जिस पर आए दिन गाड़ियाँ दुर्घटना की शिकार बनती रहती हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि बीते कुछ दिनों में दर्जनों गाड़ियाँ 150 मीटर गहरी घाटी में समा चुकी हैं। 4थे नंबर पे चीन के हुनान प्रांत में विश्व का सबसे लंबा और बड़ा शीशे का पुल, जो 430 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इसमें पारदर्शी शीशे की 3 परतें लगाई गई हैं। और आपको बता दें कि इस पुल को जमीन से 300 मीटर ऊपर दो चट्टानों के बीच बनाया गया है। और इस पुल ने अपने अद्भुत डिजाइन और निर्माण की वजह से विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। और आप ये भी जान लीजिए कि इस पुल पर प्रतिदिन अधिकतम 8,000 यात्रियों को आने की मंजूरी दी गई है। और इस पुल पर आने के लिए एक दिन पहले ही रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। 3रे नंबर पे आती है हुसान की उत्तरी चोटी। इस पर 1614 मीटर की ऊंचाई पर दो पैदल रास्ते बनाए गए हैं। आजकल लोग इस रास्ते को सान यू के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, इस रास्ते को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं और सरकार ने यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 2रे नंबर पे आती हैं पश्चिमी चीन के गुलकान गांव की सड़कें। इन सड़कों पर बच्चे एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और बताया जाता है कि यह 5,000 फीट लंबा रास्ता चट्टान पर बना है, जिसे क्लिफ पाथ के नाम से जाना जाता है। और चीन का हुसान क्लिफ साइड पाथ हुसान येलो नदी बेसिन के पास क्यूलिंग माउंटेन्स के पूर्वी छोर पर स्थित है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस रास्ते से ऊपर से 2 लोगों की गिरकर मौत हो चुकी है। पहले नंबर पर स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र की सड़क एल कैमिनेटो डेल रे। बताया जाता है कि यह सड़क कम से कम 110 साल पुरानी है और इसको दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि इसे किंग्स पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी जान लीजिए, इस सड़क का निर्माण 1905 में कराया गया था। इस खतरनाक रास्ते को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था। हालांकि इस रास्ते को साल 2000 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहां ऊपर से कुछ मजदूरों की गिरकर मौत हो गई थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।